नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी, आपके साथ चलिए नजर डालते हैं आज के अंतिम खबरों पर। चीन के साथ विवाद सुलझाने की चल रही बड़ी तैयारी, विदेश मंत्रालय ने बताया कहां तक पहुंची बात। मार्क मोबिस का दावा, चीन को पछाड़ देगा भारत, अगले 18 महीनों में देगा 20% रिटर्न। मार्शल लॉ को लेकर दक्षिण कोरिया में मचा महासंग्राम, अब राष्ट्रपति यून ने मांगी माफी। थॉमसन की हत्या से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में खौफ, वेबसाइट से हटाई जानकारी लेकिन अमेरिकियों को मिला मौका। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मुसलमानों ने उठाई आवाज, बांग्लादेश को दे दी बड़ी चेतावनी। मणिपुर सरकार ने खोला घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के बीच मार्ग, सुरक्षा के साथ आवाजाही करेंगे कूफी और मितई। राजनाथ ने लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने का किया आह्वान। नई दिल्ली, भाजपा का नया नारा, मोदी के साथ आओ अपने सारे दाग मिटाओ कांग्रेस। तमिलनाडु में उपपंजीयक को आग लगाने की कोशिश के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। M&M BE6E ट्रेडमार्क के लिए मजबूती से लड़ेगी, नई ईवी ब्रांड का नाम बदलकर BE6। 40 साल बाद अमेरिकी संसद में उठा भोपाल गैस ट्रेजेडी का मामला, मुआवजा देने की मांग, एंडरसन के प्रत्यर्पण की उठी आवाज। योगी सरकार का ग्रीन स्टेट की ओर बड़ा कदम, सरकारी खजाने को भी होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पर आया मैसेज। लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने पर सरकार लाठीचार्ज को प्राथमिकता देती है, BPSC मुद्दे पर PK ने सरकार को घेरा। पूंजीपतियों को छूट, आम जनता पर टैक्स का बोझ, राहुल का बीजेपी पर पोला हमला। किसान संगठनों व MSME प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री ने की बजट पूर्व बैठक, सुझाव दिए गए। PTI भर्ती परीक्षा राजस्थान, 244 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी से हटाया जाएगा, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। सीएम नीतीश ने गोपालगंज में 1,00,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के उत्पादन संयंत्र का किया शिलान्यास, विभिन्न स्टॉलों का किया निरीक्षण। किसान हड़ताल, नोएडा में किसानों के समर्थन में पहुंचे सपा विधायक, पुलिस ने रोका, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टेस्ट, ट्रेविस हेड ने ठोका शतक, ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा दूसरा दिन, भारत के लिए आसान नहीं होगी दूसरी। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ, देखते रहें केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।